क्या आपको पता है भारत में कोयले की राजधानी किसे कहते हैं? और क्या आपको पता है भारत में सबसे गंदी नदी कौन सी है? तो हम आपको बताते हैं। नंबर पहला, भारत में कोयले की राजधानी धनबाद को कहते हैं, जो पूरे विश्व में कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, भारत की सबसे गंदी नदी यमुना नदी है। यह पहले साफ नीले रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब सबसे प्रदूषित नदी हो गई है। दिल्ली का 58% कचरा इसी नदी में डिस्पोज किया जाता है। और तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसे 17 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में बनाया गया था। नंबर चौथा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है। यह नदी सबसे उपजाऊ नदी है। इस नदी में दो बांध, एक हरिद्वार में और एक फरक्का में स्थित है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टों को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वाली दीदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नंबर पांचवा, भारत का सर्वप्रथम स्मार्ट गांव पुंसारी है, जो गुजरात में स्थित है। यह गांव 6000 लोगों की एक बस्ती है। इस गाँव में आधुनिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।